साल शुरू हो चुका है और नया साल कई मायने में 2019 पवन सिंह का रहने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक उनकी कई ऐसी फिल्में आ रही हैं जिस पर उनके फैंस आंखें गड़ाए बैठे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर उनके फैंस इतने ज्यादा क्रेजी रहते हैं कि क्रैक फाइटर की शूटिंग के दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए उनके वैनिटी वैन के सामने न जाने कितने फैंस कब से उन्हें देखने के लिए आतुर हो रहे थे। खैर, ये तो बात पवन सिंह की हुई, लेकिन 2019 करियर के हिसाब से पवन सिंह के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन 2018 जाते जाते पवन और ज्योति के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया। आप सभी को पता होगा कि एक आध दिन पहले एक बच्चे की फोटो बड़ी तेज वायरल हुई। बताया गया कि ये पवन सिंह का बेटा है और पवन सिंह को बेटा हुआ है, लेकिन आपको बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये न्यूज हमने भी पब्लिश की थी, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि वो बेटा पवन सिंह का न होके उनके फैंस के किसी बड़े भाई का था और उसी फैंस ने इस तरह की हरकत की थी। यहाँ हम आपको ये बता दें कि 2018 क्यों पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए अच्छा नहीं रहा। ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी 2018 में भले हुई, लेकिन पवन सिंह के घर खुशियों ने भी दस्तक 2018 में ही दी थी। जी हाँ, पवन सिंह पिता बनने वाले जरूर थे, लेकिन 1.5 महीने पहले ही उनकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से पवन और ज्योति को पेरेंट्स बनने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज स्प्रेड होती है तो आप समझ जाइएगा ये कोरी अफवाह है। वैसे पवन सिंह के फैंस के साथ साथ हम भी यही दुआ करेंगे कि 2019 पवन और ज्योति के लिए बहुत ही हसीन साल हो और उन्हें पेरेंट्स बनने का और मौका मिले। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।